नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कब छूटेगा नशे का दाग? जी हाँ, एक तरफ तो जहां भारत सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उस भविष्य को ही नशे की बुरी नजर लग गई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नशे की, जिसकी गिरफ्त में ना सिर्फ बड़े बल्कि मासूम बच्चे भी हैं। एक तरफ भारत सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे बढ़ेगा इंडिया जब इंडिया का आने वाला भविष्य नशे के चुंगुल में फंसा हुआ हो। कहीं मासूम हाथों में किताब की जगह चरस और गांजा लेते नजर आते हैं, तो कहीं लोगों की सुरक्षा करने वाले रक्षक के हाथों में स्मैक नजर आता है। क्या यही वो सुनहरा भविष्य है जिसकी कल्पना हमने की थी? तो आज इन्हीं दो तस्वीरों को आपको आगे दिखाएंगे और बताएंगे, जहां एक तरफ कुछ बच्चे अपना पेट भरने के लिए चरस और गांजे का इस्तेमाल कर उसे बेच रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले दरोगा स्मैक पीते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पहली तस्वीर से रूबरू कराते हैं, पहली तस्वीर की जानकारी देते हैं। कानपुर के किदवई नगर कंजरपुरवा और इसके आसपास में 10-12 साल के बच्चे चरस और गांजा बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ महिलाएं और उनके छोटे छोटे बच्चे चरस, गांजा और नशे की गोलियां बेच रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कानपुर पुलिस जानबूझकर भी अनजान बनी हुई है। जहां इस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उस उम्र में बच्चों के हाथों में गांजे से भरी सिगरेट देखने को मिलती है। हालांकि हमारे संवाददाता ने एक खुफिया तरीके से इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठना लाजमी है कि एक तरफ सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जिसके नन्हे मासूम हाथों में भारत का सुनहरा भविष्य होना चाहिए, उसके हाथों में नशे का सामान। ये न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि सरकार के पर भी बड़े बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। नेपाल का टैरिफ भगवान का ओरिजिनल हो, ओरिजिनल ना हो तब मुंह से खा ले चरस। हाँ, अखन मेरे नाम क्यों ये पड़े नहीं होते चरस ले होगा चरस। हाँ चरस ले सौ को निकालो। अरे सौ को नहीं, सौ से नीचे नहीं देते। हाँ लेवल कम करो, कुछ कम नहीं है, कोई कम नहीं है। पकड़ो, वीडियो नहीं बना तो बताना पागल क्या कर रहे हैं। दो दिन का हो गया, देखो ऐसे जरा सा ऐसे सेक लेना बस माची लेना। अरे बाकी हम लोग पीते हैं, पीना क्रिकेट भर के 3 क्रिकेट का माल है। अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं दोबारा पी तो देखना पी खाना। तुम कहो गांजा भी तुमको कहाँ यहाँ रहते ही कहाँ हम यहाँ नहीं रहते। हाँ नशे की गिरफ्त में बड़ों से लेकर बच्चों तक हर कोई नजर आ रहा है। हालांकि हमारे संवाददाता ने ये खुफिया तरीके से तस्वीरें तो कैद की हैं, जिसको आज हम आपको दिखा रहे हैं और उजागर कर रहे हैं कि जहां पर इन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, पेन पेंसिल होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में ये सिगरेट नजर आ रही है, गांजा नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं बड़े सवाल प्रशासन से लेकर सरकार तक पर उठते हुए नजर आते हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं,
वहाँ उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जहाँ ये बच्चों के हाथों में जब किताबें होनी चाहिए, पेन पेंसिल होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में इस तरह का सामान नजर आ रहा है जो कहीं ना कहीं उनकी सेहत के लिए तो हानिकारक है, साथ ही साथ समाज के लिए भी हानिकारक है। प्रकाश सिंह राठौर जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। जी नमस्कार। प्रकाश सिंह राठौर जी, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कानपुर की, जहां पर हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथों में गांजा नजर आ रहा है, सिगरेट नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? जी, ये तो मैं ये कहूंगा कि सरकार की जैसे नीति है कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार की पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा की जागरूकता का अभाव है। जिस तरह से गरीबी उन्मूलन मंत्रालय सरकार की तरफ से गरीबी हटाओ, शिक्षा का प्रचार प्रसार करो, बच्चों की पढ़ाई पर अगर हम बात करें शिक्षा नीति की, तो शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसमें प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक का निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन कहीं ना कहीं या जब ये कहीं पर हमारी जानकारी का अभाव या कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर कुछ कमियां पाई जाती हैं, तो ये होता है कि बच्चे स्कूल जाने की बजाय गलत चीजों में इन्वॉल्व होकर और माता पिता भी उनका इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन प्रकाश सिंह राठौर जी, हम देखते हैं कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जानकारी का अभाव तो है, क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से कोरोना जब से चल रहा है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों में वो अपने आप को घसीट रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई से कहीं ना कहीं बेशक सरकार ये कह रही है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों को खूब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक वो इंटरेस्ट अब बच्चों का पढ़ाई में नहीं रहा जो पहले था स्कूल जाने के समय में, क्या एक वजह ये भी हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, आम व्यक्ति कहीं रोजगार से प्रभावित हुआ है, पैसे की समस्या से परेशान हुआ है, और अगर पैसा घर में अगर दो वक्त की रोटी का अगर व्यवस्था नहीं हो सकती है तो फिर कहीं ना कहीं माता पिता पारिवारिक सदस्य गलत चीजों की दिशा में भी मुड़े हैं, और एक कह सकते हैं कि एक परिणाम ये भी है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी कमाई का जरिया बनाया। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए जब सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, गरीबों को हर सुविधा देंगे और बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि आज भी देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कॉलेज और स्कूलों के बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट बांटेंगे गोरखपुर में, इससे पहले भी वो बांट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों पर भी एक नज़र तो डालनी चाहिए सरकार को, क्योंकि वादे और दावे तो कर दिए जाते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन से लेकर सरकार तक पे उठता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। अगर हम बात करें वादों की और दावों की, तो ये वादे और दावे इनके बीच आप एक कमी को महसूस कर सकते होंगे, जिसको हम कहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, और निश्चित तौर से ये कमियां कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर ही देखने को मिलती हैं, या जो अधिकारी हैं जो अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी रूप से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, दोनों ही। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है शायद सरकार द्वारा जारी नीति, उस नीति के क्रियान्वयन के लिए जारी किया गया पैसा, उसमें कमाने का एक रास्ता या इच्छा शक्ति की कमी जी। निश्चित रूप से इन्हीं चीजों का ये परिणाम है कि शिक्षा से बच्चे दूर हैं जी। चलिए ठीक है प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कानपुर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बात होती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। तो कानपुर से हमारे संवाददाता विकास चौहान भी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से आपने ये तस्वीरें कैमरे में कैद की है, ये कब से, सबसे पहले तो ये बताइए कब से ये काम कर रहे हैं बच्चे, और इनके परिवार वाले भी इस पूरे काम में खुद को धकेल रहे हैं और इन बच्चों को भी मजबूर कर रहे हैं, आखिर क्या बड़ी वजह है? जी मैं आपको बता दूं कि ये कानपुर में पहले भी इस तरीके के जो धंधे हैं, इस तरीके के जो काम हैं, ये पहले भी चलते रहे थे, और इस पे पुलिस बार बार जो है छापेमारी भी करती है, पकड़ती भी है, फिर उसके बाद में दोबारा से इस तरीके से धंधे जो है काम दोबारा से संचालित होने लगते हैं। प्रश्न ये उठता है कि यदि ये कारोबार अगर फैल रहा है, कर रहा है, बच्चों के हाथ से बिक रहा है, तो क्या पुलिस इसको पूरी तरीके से लगाम नहीं लगा पा रही है? क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से पुलिस पूरी तरीके से इसको रोकथाम नहीं कर पा रही है?
अगर बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों एक भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया था, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। क्या इस तरीके से पढ़ेगा इंडिया और इसी तरीके से बढ़ेगा इंडिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्राइमरी स्कूल खोले गए, सभी चीजें बच्चों के लिए की गई, गरीबों के लिए की गई, लेकिन क्या बच्चों के हाथों में इस तरीके के मादक पदार्थ बेचने की परमिशन किसने दी है? सबसे बड़ा सवाल। पुलिस, अगर पुलिस से बात की जाए तो पुलिस के पास रटा रटाया जवाब होता है, रटी रटाई बात होती है कि चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी, सब कार्रवाई की जाएगी, इसका कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन विकास, जो ये तस्वीरें, जो ये वीडियो है, क्या ये पुलिस के संज्ञान में है अभी? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये वीडियो बनाया गया है, उसके बाद में जब आला अधिकारियों से इस पे बात की गई तो उनको वीडियो दिखाया गया था। वीडियो देखने के बाद वे तब उनके संज्ञान में आया कि इस तरीके से बच्चे भी लिप्त हैं। पुलिस की गश्त भी हो रही है, पुलिस अपने आप को कहती है कि मैं प्रॉपर गश्त कर रहा हूँ, गश्ती भी चालू है, लेकिन यह गश्ती दिख आ रही है। अगर गश्त हो रही है, पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, छापे मारती है, सब जगह जाती है, अपराधी पकड़ती है, तो क्या इनको नहीं दिखता? अगर एक पत्रकार को सारी चीजें दिख सकती हैं, तो क्या पुलिस को नहीं दिख सकती हैं? पुलिस की नजर में ही चल रहा होगा ये, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, और महज थाने की चंद कदमों की दूरी पे है ये जो बस्ती बनी हुई है, ये थाने से महज 150-200 meters की दूरी पे बनी हुई है। बिल्कुल विकास, थाने से 150-200 meters की दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अगर आपको बता दे, पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई की होती तो क्या ये छोटे बच्चे इस मामले में लिप्त पाए जाते? छोटे बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, आप वीडियो में पूरा साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से छोटे बच्चे, बच्चियां जो जिनकी पढ़ने की उम्र है, वो आज इस व्यापार में उतरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या कारण है परिवार में, जबकि सरकार गरीबों से लेकर के गरीबों से जुड़े सभी चीजें उपलब्ध करा रही, चाहे राशन प्रणाली ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, तो ये बच्चे जा क्यों नहीं रहे? क्या कारण है, क्यों नहीं अवेयर हो पा रहे हैं? माँ बाप खुद इस व्यापार में इनको धकेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जांच का विषय है ये। बिल्कुल जांच का विषय तो है विकास, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जागरूकता की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भले ही देखिए ये लोग गरीब तबके के हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पढ़ लिखा नहीं पा रहे ये लोग अपने बच्चों को, तो कहीं ना कहीं जागरूकता भी बहुत जरूरी है कि और भी कई सारे साधन है कि ताकि जिससे आप अपने बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन इस तरह की अगर गतिविधियों में उनको धकेला जाएगा तो भविष्य खराब होगा। जी बिल्कुल, जागरूकता की सबसे बड़ी कमी है। अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि एनजीओ को आगे आना चाहिए, समाज सेवियों को आना चाहिए, जो बड़े जो लोग ये कहते हैं कि हमने गरीबों में जाकर के काम किया है, गरीबों के बीच में जाकर के काम किया, अगर काम किया होता तो शायद ये जो चेहरा सामने दिख रहा है, ये जो वीडियो बन रहा है, ये चीजें सामने ना होती। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट सारी सुविधाएं दे रही है गरीबों को, लेकिन ये जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण है? परिवार में क्या कमी आ रही है? ये सब जानने का विषय है। जहां एक तरफ अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी आपको एक वाक्य और बता दें कि अभी शाहरुख खान के बेटे वो भी नशे में लिप्त पाए गए थे, और उसके बाद में जब इस लेवल तक के लोग नशे में धकेले जा रहे हैं, नशे में लिप्त पाए जा रहे हैं, और ये गरीब, अभी आपने वीडियो में देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो है किस प्रकार से मादक पदार्थ बेचते हुए नजर आए हैं, तो सबसे बड़ी चीज है जागरूकता की बहुत बड़ी कमी नजर आ रही सामने। जी चलिए ठीक है विकास, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में सिगरेट और गांजे नजर आ रहा है। हालांकि सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप भी इस तरह का काम कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के बाद सवाल उठता है कि कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि सरकार तो यही नारा देती है, यही स्लोगन कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।
किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल बड़ा ये खड़ा होता है। तो नशे की गिरफ्त में कानपुर इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के तमाम मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर का गुनहगार आखिर कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे नशे से इन सभी बच्चों को बाहर निकाला जाए, नशे के सौदागर कौन है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है सरकार से लेकर प्रशासन तक पर। बच्चों का गुनहगार कौन, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चे इस तरह से नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही कहा जाएगा कि उड़ता कानपुर, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं और नशे की गिरफ्त में कानपुर पूरी तरह से नजर आ रहा है। तो कानपुर की हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस प्रशासन के मामले में भी ये पूरा मामला संज्ञान में है। ये वीडियो हमारे संवाददाता की तरफ से दिखाया भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और महज थाने से 150 से 200 मीटर की दूरी पर ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। और अब से नहीं, पिछले काफ़ी समय से ये इसी तरह से बच्चों से लेकर उनके माँ बाप तक इस तरह का काम कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सवाल यह है कि बच्चों का गुनहगार आखिर कौन है और कब बंद होगा ये नशे का कारोबार। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते कई समय से इस तरह का ये कारोबार चल रहा है, बच्चे जो हैं गांजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मैक बेच रहे हैं और सिगरेट कहीं ना कहीं बेचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन सबके बाद भी प्रशासन से लेकर शासन तक के कान पर जू नहीं रेंग रही है। पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने से बच रही है। तो इस पूरे मामले पर कानपुर पुलिस ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित पहचान कर इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो समाज को नशे से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध राजधानी पुलिस के एक दरोगा का ऑन ड्यूटी गांजा स्मैक पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और जमकर पुलिस महकमे की फजीहत कर रहा है। वायरल वीडियो में गुड़डम्बा थाने के वर्दी पहने हुए एसआई हरिद्वार मिश्रा नशे का कारोबार करने वालों के साथ पहले गांजा और उसके बाद स्मैक का धुआं उड़ाते दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार एसआई हरिद्वार मिश्रा नशे के अड्डे पर कार्रवाई करने की बजाय अवैध वसूली करने पहुंचे हुए थे। उसी दौरान उन्होंने वहां पर सिगरेट में गांजा भरकर दम लगाना शुरू कर दिया और मन नहीं भरा तो गांजे के बाद स्मैक भी फूंकी। मौका पाकर किसी ने नशे में धोत एसआई हरिद्वार मिश्रा का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वीडियो कहां और कब का है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। तो लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक एसआई भी ये सिगरेट नशे की पीते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। पांच दो सात सौ रुपए आपको वापस कर दिए, तुझको पहचाने है क्या? पहचानी था नमो बताए, लेकिन समन्वय नहीं था ना, वो बोल रहा है कि हमारे पास इस माइक बार है या नहीं है। जाओ पहले कहीं पेट्रोल पंप पेट्रोल भराओ ले जाएंगे इसको।
रहे हैं लखनऊ की किस तरह से वीर अच्छा वीर वहाँ प्रेम व्यक्ति मास्टर अच्छा मास्टर इस सब का मास्टर। हाँ यार तुम तो बहुत बड़ी डिग्री रखे हो, हम तो छोटे मोटे प्राइमरी क्लास के टीचर हैं। हाँ प्राइमरी क्लास के हम टीचर हैं, बात करो प्रोफेसर साहब से हमसे ना बात। अरे हमसे बात करो दुबे, हम तो प्राइमरी और तुम्हारे रहते हमने कैसे एल्युमिनियम फ्लाइल जला डाली है और तुम रहे हीरोइन अपने जेब में डाली है। तो देखिए आपने तस्वीरें और ये वीडियो आपने देखा किस तरह से अभद्र भाषा का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है किसी शिक्षिका को लेकर, शायद इस पूरे वीडियो में बातचीत की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरह से एसआई हरिद्वार मिश्रा का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गांजा स्मैक पीते हुए एसआई नजर आ रहे हैं, क्या अब तक इस पूरे वीडियो में पुलिस प्रशासन संज्ञान लिया है या नहीं लिया? जी हाँ बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुड़म्बा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी है वो वहाँ के गुड़म्बा थाने पर तैनात है, उसी के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से खुलेआम जब इस तरीके से ड्यूटी पर अपनी वर्दी की जो है किस तरीके से जो है धार जमाने का काम है, और साफ कह सकते हैं जिस तरीके से खांसी की जो छवि है तो किस तरीके से खराब की जा रही है साफ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद कह सकते हैं कि अब जो है अधिकारियों की तरफ से जो कार्रवाई की बात है वो भी जो है सामने आ रही है। अधिकारियों ने जो वीडियो का संज्ञान लिया है साफ कहा जा सकता है कुछ ही देर में कह सकते हैं कि जो दरोगा है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन साफ कहा लेकिन लेकिन शुभम अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये कोई एक दिन पुराना वीडियो तो लग नहीं रहा है, ये शायद कई दिनों से वायरल हो रहा है, तो अब तक इस पूरे मामले में क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं जहां तक जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने आला अधिकारियों संज्ञान लिया और एक तरीके से जांच करा करके जो है मामले में छानबीन करने के बाद जो है पुलिस के अधिकारी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है तो राजधानी लखनऊ में तैनात दरोगा जब इस तरीके की हरकतें करेंगे और खुलेआम जो है गांजा चरस की चीजें लेकर के जो है वीडियो वायरल होगा तो जाहिर सी बात है कि जो अपराधी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो पुलिस का भय है वो समाप्त होता जरूर देखा जाएगा। जी बिल्कुल शुभम, और ये वीडियो कहाँ का है और कब का है, क्या इस बारे में कोई जानकारी अब मिल पाई है? मैं कह सकते हैं ये वीडियो जो है लगभग बताया जा रहा है कि दो से तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। लेकिन जो पुलिसकर्मी है वो गुड़म्बा थाना क्षेत्र में जो है लखनऊ में पड़ता है वहीं पर तैनात है, उसी के साथ इनका नाम जो है अभी तक जो है हरिद्वार मिश्रा बताया जा रहा है। साथ कह सकते हैं हरिद्वार मिश्रा की जो है लखनऊ में दरोगा है, उनकी जो है गुड़म्बा थाने में पोस्टिंग है, और साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से जो अन्य पुलिसकर्मी है उनमें भी सरगर्मी बढ़ी है कि आखिरकार ये वीडियो जो है किस डेट में बना है कब बना है। लेकिन साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से वीडियो सामने आया है तो एक पुलिस की जो छवि है लखनऊ पुलिस की छवि है उसको जो तार तार करने की तस्वीरें जो है वो जरूर देखी जा सकती है। जी चलिए ठीक है शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो लगातार दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की वर्दी पर फिर से दाग लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एसआई हरिद्वार मिश्रा यहाँ पर गांजा स्मैक पीते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पुलिस की वर्दी पर फिर लगा दाग, दारोगा का स्मैक पीते वीडियो वायरल, कैसे राजधानी होगी नशा मुक्त? राजधानी को जहर ने घेरा,
कब नशे के जहर से आजाद होगी राजधानी। तो आज हमने आपको कानपुर और लखनऊ की ये दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई, जिनको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नशे की गिरफ्त में इस तरह हमारा भविष्य जकड़ा हुआ है, ऐसे में हम सुंदर भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपको कुछ सवालों के साथ छोड़े जा रहा है।